हेलो फ्रेंड्स, रूबी झाकी किचन में आप लोग का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए देखिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छा, यहाँ पर में कैल्शियम और आयरन भरपूर आपको मिलेगा जब इस तरह का आप दाल बथुआ बनाएंगी अपने घर में और अपने फैमिली और अपने बच्चे के साथ इंजॉय करेंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ज़रूर बनाइए और अपने बच्चे को भी खिलाइए, क्योंकि आजकल के बच्चे बथुआ नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन सबको खाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाने के लिए क्या क्या लेंगे तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलके बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज यहाँ पे हम बथुआ ले लिए हैं। तो आज हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे आज हम बथुआ दाल बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसमें हम कुछ मसाला ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आधा केजी बथुआ ले लिए हैं, ग्राम में 500 ग्राम, केजी में आधा केजी। और अब यहाँ पे देखिए, हम दाल ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम अरहर का दाल लिए हैं, बहुत लोग इसको तुरी का दाल भी कहते हैं। तो चलिए, दाल पहले अच्छे से पहले हम इसको वॉश कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम पानी डाल के इसको हम इस तरह से धो लेंगे। और सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, कुकर ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो बथुआ को इस तरह से हम कुकर में डाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या किए हैं, बथुआ सब इसमें कुकर में डाल लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, दाल को हम अच्छे से पहले धो लिए हैं। तो यहाँ पे दो पानी से दाल को धो लिए हैं। तो अब हम दाल भी इसमें डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे एक टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। यहाँ पे देखिए, तो एक टीस्पून हम यहाँ पे नमक भी डाल दिए हैं। नमक यहाँ पे हम आधा टीस्पून और डालेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एक ग्लास पानी ले लिए। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम अब पानी हम ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम आधा गिलास पानी इसमें हम और डालेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आधा गिलास से भी कम पानी हम इसमें डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, हम एक टमाटो ले लिए हैं। टमाटो हम पहले से ही वॉश कर लिए थे अच्छे से। अब टमाटो डाल के अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम सीटी लगाएंगे। तो सीटी हम यहाँ पर में कम से कम तो 3 से 4 सीटी इसमें हम लगा देंगे, ताकि बथुआ और दाल अच्छे से गल जाए। तो चलिए, हम पहले कुकर का ढक्कन लगा लें और गैस पर चढ़ा लें। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में 4 सीटी लग गया है। और अब हम यहाँ पर में इसको नीचे निकाल ले रहे हैं। तब यहाँ पे देखिए, कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम सरसों का तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हम कच्ची घनी ले लिए हैं, तो 2 टीस्पून हम यहाँ पे सरसों का तेल डाले हैं। गैस को हम यहाँ पर में हाई करके रखे हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। गया है। अब यहाँ पे हम लहसुन डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो लहसुन है वो अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे हम अदरक डाल दिए हैं। और अब यहाँ पर में हम हरी मिर्च डाल देंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो हम यहाँ पर में 2 हरी मिर्च लिए थे, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिए थे, 6 से 7 कली लहसुन का ले लिए थे। और अब हम इसको सबको अच्छे से हम ब्राउन होने देंगे यहाँ पर में इस तरह से। यहाँ पे हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा हींग लेंगे, हींग थोड़ा ज़्यादा ही हम डालेंगे। और अब हम थोड़ा सा इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक पका दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़रा सा हम हल्दी डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे गरम मसाला डाल देंगे।
और अब हम इस तरह से इसको हम पका लेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हम दाल और बथुआ में हम सीटी लगाए हैं, तो अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। डाल के और अब हम इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे कलर आ चुका है बथुआ का और दाल का। तो यहाँ पे दाल और बथुआ हम बना रहे हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है बथुआ, सबको खाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से हम बना लिए हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालना है हमको, सिर्फ साग का बथुआ का फ्लेवर लाना है। ज़्यादा मसाला हम ऐड करेंगे तो फिर बथुआ का फ्लेवर नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे देखिए इस तरह से हम बना लिए हैं। और यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम दाल घोटने वाला ले लिए हैं, तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा हम मिला लेंगे ताकि जो भी बथुआ और दाल है वो अच्छे से यहाँ पे देखिए मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से हम मिला लेंगे। तो अब देखिए इस तरह से ये मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर में इसको बर्तन में हम सर्व कर ले रहे हैं, थोड़ा सा हम तड़का लगा देंगे और तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक टीस्पून तेल ले लिए हैं। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जब इससे आप तड़का लगाएंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब यहाँ पे देखिए हम साबुत दो हम यहाँ पर में लाल मिर्च ले लिए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा हम पकने देंगे इस तरह से। गैस को हम बिल्कुल कम कर लेंगे, लो कर लेंगे। तब तक चलिए हम बर्तन में इसको हम सर्व कर लें। अब ले लिए हैं, अब चलिए हम यहाँ पर में आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब इस तरह से आप दाल बथुआ बनाएंगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनता है, तो ज़रूर आप बनाइएगा। यहाँ पे इस तरह से देखिए हम डाल लेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में जो हम तड़का लगाए थे वो तड़का अच्छे से चटक चुका है। तो अब ऊपर से हम क्या करेंगे, तो इस तरह से इसको डाल देंगे। तो देखिए बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पर में कुछ नहीं करना है, और जो दाल है उसको हम इस तरह से थोड़ा सा। तो अब देखिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए यहाँ पर में दाल बथुआ बनके तैयार हो चुका है, थोड़ा सा इस तरह से चारों बगल कर देंगी तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए कितना बढ़िया यहाँ पर में दाल बथुआ बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल इजी सी रेसिपी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर में और बथुआ आप सभी को पता है जो बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छा है, तो बथुआ हर किसी को खाना चाहिए। तो एक एक यहाँ पर में ये एक बथुआ अनेक बीमारी और हम लोग को बहुत ही फायदेमंद करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि बथुआ तो हम लोग के यह सर्दी के मौसम में ही मिलता है, तो इसको हमको भरपूर आनंद उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे इसी तरह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।